गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन लंबे समय के बाद मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस बार चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा, फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन के लिए नाइन का जो हिस्ट्री का कुछ टॉपिक है मैं उसको फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, ताकि जिनका ये छूट गया हो उनके लिए बेनिफिट होगा और जिन्होंने पहले भी पढ़ लिया है तो उनके लिए रिवीजन का काम करेगा। तो मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो देखिए रेन ऑफ टेरर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर से एक टॉपिक है रेन ऑफ टेरर। और इसी तरह एक एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसे बार बार आपके सामने रखूंगा टिल द एग्जामिनेशन, इसलिए आप इसमें ध्यान दें और इस क्लास को करें। ओके, रेन ऑफ टेरर, जैसा कि लुई 16 का गवर्नमेंट डिपोज होने के बाद, लुई 16 को फांसी का चाहा देने के बाद जो आपका जैकोबिन गवर्नमेंट बना, तो जैकोबिन गवर्नमेंट का लीडर था मैक्सिमिलियन रोमस हियर, ध्यान देंगे। जैकोबिन गवर्नमेंट जो बना 1793 में, तो उस समय जैकोबिन का लीडर था मैक्सिमिलियन रोमस हियर, उसकी गवर्नमेंट बनी नाइन, और इसकी गवर्नमेंट 1793 टू 1794 तक चली एक साल, और इस एक साल की टेन्योर को ही द रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, जिसे आप कह सकते हैं आतंक का काल, उसे किस नाम से आते हैं आतंक का काल के नाम से आप जान सकते हैं। उसने जो पॉलिसी अपनाई उस पॉलिसी के कारण ही कहा जाता है वो, अब उसका जो टेरियर था वो क्या था रेन ऑफ टेरर। अब देखिए क्या पॉलिसी उसने अपनाई, उसने पॉलिसी अपनाई सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट मीन्स कोई भी थोड़ी मिस्टेक्स करते थे दे वेयर फाइनली सेंट टू द प्रिजन और द उसको फांसी पर चढ़ा देते थे बुलेटिन पर। अब देखिए उनकी जो हुआ किन लोगों को अपना एनिमी समझते, एनिमी ऑफ रिपब्लिक उस कंट्री में उस शासन का उस गवर्नमेंट एनिमी वो किसको समझते, इवन अपने पॉलिटिकल पार्टीज और जैकोबिन के जो मेंबर उनकी आइडिया से डिसएग्री करते थे उनको भी पनिश कर देते। अपोजिशन की जो बात ही छोड़ दिया, उसमें देखिए जो एक्स नॉबेल थे उनको वो अपना दुश्मन समझते थे, जो कलर्की थे उनको अपना दुश्मन समझते थे, और यहां तक मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेम पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर ऑफ जैकोबिन्स हु वेयर डिसएग्री विद द आइडियाज ऑफ द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मीन्स मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने जो पॉलिसी चलाई जो उसने आइडिया दिया उसे डिसएग्री करने वाले सभी को पनिश कर देता था, इसी को कहा गया सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट कहा गया। ठीक है, उसने कुछ और पॉलिसी कुछ कानून लागू किए, वो क्या कानून लागू किया देखिए, मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस एंड द प्राइस, मजदूरी पे टैक्स, यहां सीलिंग से मतलब टैक्स, जो पीपल अर्निंग करते थे उसके उसका टैक्सेस उसने बढ़ा दिए हाई, और इवन द प्राइस किसी भी कमोडिटी के जो प्राइस होते थे गुड्स होते थे उस पर टैक्स हाई कर दिया, इसका इफेक्ट पीपल पे पड़ने लगा। राशन, उसने कंज्यूमिंग गुड्स को राशन कर दिया, एक वर्ड आ गया राशन। इंडिया में राशनिंग सिस्टम 1940 में स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको समझना है। राशन से मतलब है ना द कमोडिटीज दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड विल बी लिमिटेड, एक लिमिट संख्या में आपको कोई भी सामान प्रोवाइड किया जाएगा उसको कहा था राशन। और उन्होंने क्या कर दिया, मीट एंड ब्रेड को राशन कर दिया, मीन्स आपको लिमिट अमाउंट में मीट प्रोवाइड होगा और लिमिट अमाउंट में ब्रेड प्रोवाइड होगा,
दिस इज द लॉज मेड बाय मैक्स क्लियर रॉबर्ट्स क्लियर। रॉबर्ट्स क्लियर ने क्या किया, ग्रेन जो फार्मर ग्रेन का प्रोडक्शन गांव में करते थे उनको फोर्स किया कि आप प्रोडक्शन करें ग्रेन गांव में, बट यू हैव टू सेल द ग्रेन टू द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो नेचुरली है जो इन्वेस्टमेंट फार्मर करेंगे उस इन्वेस्टमेंट से अगर बिलो में ग्रेन का प्राइस फिक्स किया जाएगा तो फार्मर सेल करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसे फोर्स किया जाता था कि ग्रेन को सेल करे गवर्नमेंट के एजेंट की तरफ और द प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट। उन्होंने व्हाइट फ्लोर आटा जो महंगा होता था उस पर बैन लगा दिया, रोक लगा, कोई इसको यूज नहीं कर सकता। वहां जो सिस्टम था सिटीजन सिस्टम था, सर और मैडम जो बोले जाते थे लोगों को, एक संबोधन होता हाउ टू एड्रेस द पीपल, सर और मैडम, लेडीज के लिए मैडम और जेंट्स के लिए सर था, ये उसको भी उसने चेंज कर दिया। चेंज कर उसने क्या लाया, सिटीजन ने सिटोयन वोमेन के लिए, सिटोयन ध्यान देना वोमेन के लिए सिटोयन और मेन के लिए सिटोयन, फिर से ध्यान देना वोमेन को क्या कहा गया सिटोयन सिटोयन और मेन को सिटोयन। सारे सिटीजन देश के अंदर जो भी सिटीजन थे सबको सबको ये के साथ एक किया गया कि आप इक्वल ब्रेड खाएंगे। ये क्या हो गया, इसी करते हैं सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, हर व्यक्ति को इक्वल ब्रेड खाना या इक्वल ब्रेड से इक्वल ब्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा शहर में तो बेकरी से जहां रोटी बनती है तो लिमिटेड ब्रेड आपको दिए जाएंगे, उसे में आपको सस्टेन करना है। जो चर्चेस थे पहले किंग के दौरान, किंग लुई 16 के दौरान चर्च बहुत इंप्रेसिव था, जैसा मैंने पढ़ाया आपको चर्च के अंदर बहुत सारे हजार हजार एकड़ लैंड होते थे उनके अंदर, और चर्च क्या करता था टैक्स भी कलेक्ट करता था। इन्होंने क्या किया, चर्च पे कंट्रोल किया, टोटली शट डाउन, चर्च को बंद कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया बैरक्स में। बैरक्स समझते हैं जहां आर्मी रखते हैं ट्रूप्स को रखने के लिए, और जो चर्च के अंदर लैंड था हजार हजार एकड़ लैंड था सभी किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कन्फिस्केटेड अमंग द फार्मर्स। लास्टली मैक्स ने रॉबर्ट्स क्लेयर भी कन्विक्टेड किए गए और 1794 में उसे भी बुलेटिन पे चढ़ा दिया गया, पब्लिकली बुलेटिन पे चढ़ा दिया गया। सो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द मैक्स ने रॉबर्ट्स क्लेयर एंड दिस इज द लास्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मैक्स ने रॉबर्ट्स क्लेयर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका है। इसी तरह मैं आपको फिर दोबारा एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझाता रहूंगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, कभी सिविक्स का हो सकता है, कभी ज्योग्राफी का हो सकता है, कभी इकोनॉमिक्स का हो सकता है टिल द एग्जामिनेशन। इसलिए आप इस पर अटेंटिव रहें और इसको फिर से ध्यान से देखें। थैंक यू।